देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। राहगीरों को अब चौराहे से होगी शांति की अनुभूति। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हाल ही में एक ऐसे चौराहे का विधिवत उद्घाटन हुआ है जो कि शांति स्तंभ बन सभी राहगीरों का आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक बनेगा। जी हाँ, सूरत के कतारगाम में ब्रह्मा कुमारी सर्कल का लोकार्पण हुआ, जहाँ रास्तों के बीचों बीच एक स्तंभ बनाया गया है जो न केवल आने जाने और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को शांति की राह दिखाएगा, साथ ही उनके विचारों के प्रवाह को सकारात्मक बनाने में मदद करेगा। इस स्तंभ का उद्घाटन गुरुग्राम में स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके आशा, सब जोन प्रभारी बीके रंजन, स्थानीय प्रभारी बीके शारदा के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर सभी बीके सदस्यों ने मिलकर स्तंभ के समक्ष कुछ देर विश्व को शांति का दान देकर दीप प्रज्वलन किया। आयोजित कार्यक्रम में कॉरपोरेटर नरेंद्र पटेल, सोनी समाज के उप प्रमुख जयश्री लाठीवाला समेत कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर संस्था के कार्यों की सराहना की। मिनी रिट्रीट सेंटर दिव्यदीप सरोवर को हुआ भूमि पूजन। महाराष्ट्र के सोलापुर में सबजोन के मिनी रिट्रीट सेंटर दिव्यदीप सरोवर का भूमि पूजन संपन्न हो गया है। यह भूमि पूजन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, सोलापुर के लोकसभा सदस्य श्री श्री 1008 डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी, सोलापुर में उप क्षेत्र के निदेशक बीके सोम प्रभा के कर कमलों से विधिवत हुआ। अतिथियों ने ये उद्गार रखे। शांति जो है वो शांति के लिए बहुत आवश्यक होती है, तो यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पर आएंगे आकर के शांति की अनुभूति जरूर करके जाए। बरकत के आपके मन को यह सेंटर निश्चित ही सुकून देगा। यह रास्ता आप लोगों के आने के लिए सुगम बनेगा, इतना आप विश्वास करते हैं। इतना ही विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे आप लोग पवित्रता, सुख, आनंद जैसे गुणों को ईंट पर लिखकर भविष्य में गुणों की धारणा के स्तंभ बनने वाले इस भवन की नींव रखी गई। इस समारोह में मुख्य रूप से संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके दशरथ, महानगर पालिका के सहायक आयुक्त भगत जी, टाउन प्लानर लक्ष्मण चलवादी, पूर्व विधायक विनायक राव पाटिल समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। राजनीतिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता का मिलन। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में इसी साल चुनाव है और हर पार्टी पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का लगातार गुजरात में आना जाना जारी है। जब भी कभी राजनीतिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता का मिलन होता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। गुजरात के गारियाधार में हेलीकॉप्टर से उतरते ही अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मिलकर उनका अभिवादन किया और उनका स्वागत किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा और बीके भूमिका ने उन्हें शौर्य सौगात भेंट कर भविष्य राजनीतिक कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। ब्रह्मा कुमारी को मिला विश्व साहित्य अवार्ड। भारतीय मूल्यों और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में रशिया में ब्रह्मा कुमारी निरंतर कार्यरत है। रशिया में ब्रह्मा कुमारी के निदेशक बीके संतोष एवं हैदराबाद शांति सरोवर के निदेशका बीके कुलदीप के निर्देशन में रशियन कलाकारों द्वारा बत्तू कम्मा के माध्यम से कुछ प्रस्तुतियां दी गईं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंकटेश द्वारा लिखित इस प्रस्तुति को रविन्द्र भारती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी को विश्व साहित्य अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर तेलंगाना असेंबली के स्पीकर श्रीनिवास राव, शांता बायोटेक के चेयरमैन पद्म भूषण वार प्रसाद रेड्डी की उपस्थिति रही। तकरीबन 50 टीम्स ने इसमें सहभागिता की, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को तीसरे स्थान पर पुरस्कृत किया गया। अंत में शांति सरोवर से बीके विष्णुप्रिया ने अपने गानों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कैदी भाइयों में आध्यात्मिकता के अलग जगाने का प्रयास। कारागार शब्द सुनते ही मन में नकारात्मक भावों का आना लाजमी है, लेकिन उन्हीं कैदियों को अपना भाई समझ उनके अंदर आध्यात्मिकता के अलग जगाने का प्रयास सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। महाराष्ट्र नासिक के सेंट्रल जेल में न सिर्फ कैदी भाइयों को कर्मों की गुह गति का ज्ञान दिया गया, साथ ही तनाव मुक्ति व्याख्यान तथा व्यसन मुक्ति नाटिका के माध्यम से व्यसनों को छोड़ने की प्रतिज्ञा भी कराई गई।
अहमदनगर से साइबन में मधुबन के निदेशक बेके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने अधीक्षक प्रमोद वाघ एवं वरिष्ठ जेल अधिकारी अशोक मालवाड़ की संकल्पना से अधिकारियों एवं बंदियों को राज्यों का महत्व बताया और अभ्यास कराया। नासिक में ब्रह्म कुमारीज के प्रभारी बीके वासंती ने अपने उद्बोधन में सभी को विचारों में बदलाव लाने के लिए परमात्मा से संबंध जोड़ने की बात कही। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके गोदावरी ने बंदियों को सशक्त बनने की विधियां बताई। जेल प्रशासन की ओर से वरिष्ठ जेल अधिकारी संतोष घरतोड़े और जेल अधिकारी संतोषी कोलेकर ने ब्रह्म कुमारी बहनों का आभार माना। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।